आज का विचार है प्रिय दोस्तों कि शरीर तब तक सुंदर है जब तक सब कुछ संगठित है। दांत जो मोतियों जैसे थे जब टूटते हैं तो प्रिय दोस्तों उनको डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। अति सुंदर बाल, अति सुंदर जुल्फे, अरावली जैसी जुल्फे, जब एक बाल हमारे भोजन में गिरता है तो उसको निकाल बाहर करना पड़ता है। सुंदर नाखून जिसको हम नेल पॉलिश लगाकर सजाते हैं, कभी अपनी स्किन के साथ कलर मिलाते हैं तो कभी सूट के साथ कलर मिलाते हैं, जब टूटते हैं तो इनसे नफरत होने लगती है। सुंदर त्वचा केवल 1/16 इंच डीप ब्यूटी है प्रिय दोस्तों। नौ द्वार तथा स्किन के पोर तब तक ब्यूटीफुल हैं जब तक यह शरीर संगठित है। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा था कि जब भी आपने अपना आत्म दर्शन करना है तो निरीक्षण करिए, विघटन करिए, विश्लेषण करिए और इसको सूक्ष्मता से अनुभव करिए। आप पाएंगे कि यह आपका शरीर स्कंद, यह आपका चित्त स्कंद केवल बुदबुदे हैं, परमाणुओं का पुंज है जो हर क्षण अनित्य है, हर क्षण परिवर्तनशील है। वो इतना भी सुंदर नहीं है जितना आप समझ बैठे हैं और इसके प्रति अपनी आसक्ति दिखा रहे हैं। और मैं, मेरा, मेरी आत्मा के भ्रम में फंसे हुए हैं। तो आइए प्रिय दोस्तों, आज इस विचार को पकड़े, अपने भीतर जगत की सच्चाई का अनुभव करें और फिर बाहरी जगत की सच्चाई को अपनी आंखों से देखें तथा उस सच्चिदानंद की सुंदरता का गुणगान करें। धन्यवाद प्रिय दोस्तों, मेरा आभार प्रिय दोस्तों।